दंतेवाड़ा जिला का बारसू क्षेत्र जहां 10वीं 13वीं शताब्दी तक नागवंश का शासन हुआ करता था, यही वजह है कि बस्तर में आज भी नागों की प्रतिमाएं और मंदिर हैं, जिनमें से एक है बारसूर के पास स्थित नागफनी मंदिर, जो छिंदक नागों के शासन में निर्मित किया गया था। इस मंदिर में हर साल नागपंचमी के दिन विशाल मेला लगता है, जिसमें आसपास के 36 गांव के लोग अपनी देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह के साथ शामिल होते हैं। इस मंदिर के पास और भी कई मंदिरों के बिखरे हुए टुकड़े मिलते हैं और इस नागफनी मंदिर को भी सन 1979 में भक्तों द्वारा एकत्र कर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया था। मंदिर की महत्ता को देखते हुए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्यों से दंतेवाड़ा जिला कलेक्टर विदित नंदवार के आदेश पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर मंदिर को पुराने स्वरूप में लाने के लिए डिजाइन तैयार कर कार्य शुरू कर दिया गया है। का जो मंदिर है यहाँ पर बहुत प्राचीन जो है नागवंशी नाग मंदिर है यहाँ पर, और अभी जो है वर्तमान में क्योंकि बारसूर और उसका जो आपका टूरिज्म का जो रूट है उस पर ही ये अवस्थित है, और इसे जो है वहाँ के जो लोकल जो मंदिर हैं, चंद्रादित्य मंदिर है या अन्य जो मंदिर हैं, मामा भाचा मंदिर है, उसी की तर्ज पर इसके पुराने स्वरूप को बनाए रखते हुए कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है, यही हमारा प्रयास है। और आने वाले समय में ये जो मंदिर डेवलप हो जाएगा तो न केवल यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय लोगों को भी जो है रोजगार में भी वहाँ पर वृद्धि मिलेगी। मंदिर के कई सारे जो हैं पहलू हैं और कई सारे इसमें रिचुअल्स हैं, कई सारी परंपराएं हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि अगर एक बार वो मंदिर का अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं जो पारंपरिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ हैं उसको और ज़्यादा मजबूत